बेंगलोर में दंगल हुई है, इसकी जानकारी टीवी की खबरों को पढ़ने के बाद हुआ और पता चला कि बेंगलोर में दंगल हो गई है। जब भी दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, समाज का विभाजन हिंदू मुसलमानों में किया जाता है, योजनाबद्ध तरीके से ऐसे किया जाता है। और हिंदू मुस्लिम करना उसके पीछे मकसद होता है ताकि लोगों को, हिंदू और मुसलमान, ये दो विभाजन में लोगों को बांटा जा सके, ताकि एससी एसटी ओबीसी की जो सामाजिक समूह है वो अपनी आइडेंटिटी को भूल जाए। और दंगे करने वालों का मकसद होता है कि उनकी आइडेंटिटी को खत्म करके उनकी नई आइडेंटिटी हिंदू बनाई जा सके, ताकि अल्पसंख्यक ब्राह्मणों को ये जो एससी एसटी ओबीसी के 74.5% लोग हैं उनका अपने राजनीति के लिए इस्तेमाल कर सके, और 3.5% ब्राह्मण, अल्पसंख्यक ब्राह्मण देश में बहुसंख्यक हो सके, इस मकसद के लिए ऐसा किया जाता है। कांग्रेस के एमएलए के भांजे ने मोहम्मद साहब के बारे में सोशल मीडिया में गलत लिखा। बताया यह जा रहा है कि इसको आधार बनाकर ये फसाद हुआ। उसकी वजह क्या हो सकती है, यह विचारणीय मुद्दा है। क्या बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोगों के द्वारा जो कांग्रेस का एमएलए है उसके भांजे को अपने प्रभाव में लिया गया था, ऐसा हो सकता है। और जो जानकारी मिली उस जानकारी के अनुसार एमएलए को भांजे ने कारपोरेटर नाम नॉमिनेट करने के लिए अनुरोध किया था, एमएलए ने इस बात को नहीं माना और इसकी वजह से वो नाराज हो गया, और नाराज होने की वजह से बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद और उन लोगों के नजदीक आने लगा, उसके प्रभाव में आने लगा। और उस नजदीक में आने का परिणाम ये हुआ कि उसके दिमाग में मोहम्मद साहब के बारे में बहुत सारी गलत बातें भरी गई, जो बाद में सोशल मीडिया में रिफ्लेक्शन में आई होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये एमएलए का भांजा, एमएलए अनुसूचित जाति का है, उसका भांजा भी अनुसूचित जाति का है। तो हम तो पहले से ये कहते रहते हैं कि एससी एसटी ओबीसी के लोगों को सारे देश भर में मुसलमानों के विरोध में, क्रिश्चियनों के विरोध में, ज्यादातर मुसलमानों के विरोध में दंगे और फसादों में इस्तेमाल किया जाता है, केवल बंगलोर में नहीं, देश के सारे राज्यों में ऐसा किया जाता है। ये एक बहुत अहम बात है। और ये जानकारी जो आ रही है उस जानकारी के अनुसार यही कहा जा सकता है कि उसके एमएलए के भांजे को इस काम में इस्तेमाल किया गया है, ऐसा दिखाई देता है। इसका फायदा जो ब्राह्मणों की पार्टियां हैं, जिसके हेड ब्राह्मण है या जिन्होंने सारे देश भर में इन पार्टियों को बनाया है, लगभग 5 नेशनल लेवल की ब्राह्मणों की पार्टियां है, इन पार्टियों को जब एससी एसटी ओबीसी के लोग हिंदू हो जाते हैं तो ब्राह्मणों के इस पार्टियों को हिंदू हुए मतदाताओं का उपयोग होता है, फायदा होता है। और इस तरह से ब्राह्मण पार्टियां इनका इस्तेमाल करती है, और इसीलिए फसाद हिंदू बनाने का बहुत बड़ा कार्यक्रम है और इसको अंजाम दिया जाता रहता है। मुस्लिम समाज का जो इंटेलिजेंसिया है या मुस्लिम समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं या मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, उन लोगों को इस बात का गंभीरता से अध्ययन करना होगा, और अध्ययन करने के आधार पर जो भी जानकारी मिलेगी उस बात को ध्यान में रखते हुए भविष्य की रणनीति बनानी होगी। और अगर नहीं होता है ऐसे तो ये हमेशा आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा।
और अगर इसी तरह के फसाद होते रहे तो फिर इन फसादों में मुसलमान मारे जाएंगे। जैसे इन फसादों में पता चला है कि 3 नौजवान मुसलमानों को मारा गया है, तो ये मुसलमानों की बहुत बड़ी हानि है। तो मुसलमानों को ही इसके बारे में सबसे ज्यादा सोचना होगा, विचार करना होगा। जब वो इसके बारे में सोचेंगे तो भविष्य की नई रणनीति बनाने के बारे में सोच सकते हैं, विचार सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। वैसे जिन नौजवान मुसलमानों को मारा गया उनको कम से कम 25,00,000 रुपए राज्य सरकार के द्वारा दिया जाना चाहिए, और जो पुलिस चौकी का इंचार्ज है जिसने ज्यादा देर तक FIR नोंद करने के लिए समय लगाया और इसकी वजह से मुसलमानों के नौजवानों में गुस्सा पैदा हुआ और इसकी वजह से फसाद हुआ, फसाद ज्यादा देर तक FIR नोंद ना लेने की वजह से ऐसा हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, तो इसके लिए पुलिस चौकी के इंचार्ज जिम्मेदार है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सारे फसाद की इंक्वायरी हाई कोर्ट के जज से, सिटिंग जज से की जानी चाहिए ताकि वास्तविक जानकारी आ सके, सामने आ सके। दूसरी एक और बात भी मैं कहना चाहता हूं कि यदि अनुसूचित जाति जनजाति अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को FIR करने के लिए मुसलमानों के द्वारा आपस में भाईचारा बनाने के दृष्टि से उनको FIR करने के लिए भेजा गया होता तो निश्चित रूप से FIR जल्दी नोंद होता। मुसलमानों के लोगों के द्वारा FIR नोंद करने के लिए जाने की वजह से आमतौर पर आजकल मुसलमानों का FIR नोंद नहीं होता है। इसकी जानकारी जितने जल्दी मुसलमानों को होगी उतना ज्यादा ठीक होगा, क्योंकि लोगों का ही सांप्रदायिकरण नहीं हुआ है, ब्राह्मणाइजेशन नहीं हुआ है, बल्कि प्रशासन का, अधिकारियों का और पुलिस प्रशासन का भी ब्राह्मणाइजेशन बड़े पैमाने पर हुआ है। जब सरकार ही BJP की है तो स्वाभाविक रूप से ऐसा होगा, ये तो कहा जा सकता है। अब ऐसे कैसे होगा कि SC ST OBC के द्वारा FIR करने के लिए उनको भेजा जाए? इसके लिए SC ST OBC के लोगों को जागृत करना होगा, तैयार करना होगा, और ये करने का काम SC ST OBC के जो संगठन हैं, वो संगठन ज्यादा बड़े पैमाने पर कर सकते हैं और तभी सफलता मिल सकती है। इसके लिए ऐसे संगठनों को मुसलमानों के द्वारा ढूंढना होगा और उन लोगों को मदद करनी होगी ताकि SC ST OBC के लोगों को ज्यादा बड़े पैमाने पर जागृत करके संगठित किया जा सके, ताकि भविष्य में ऐसे फसादों को रोका जा सके, भविष्य में SC ST OBC और माइनॉरिटी के बीच में संवाद कायम करके इत्तेहाद कायम किया जा सके, एकता कायम किया जा सके, ऐसा किया जाना चाहिए। कम से कम भविष्य में सबक सीखकर ऐसा किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। भविष्य में मुस्लिम लोग इससे सबक सीखकर आगे बढ़ेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, ऐसी आशा करता हूं। धन्यवाद।